आज मैं बनाने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ का फेमस ब्रेकफास्ट की रेसिपी, धुसका की रेसिपी। धुसका की रेसिपी और इसे आलू की सब्जी के साथ या फिर आलू चने की सब्जी के साथ खाया जाता है और ये ब्रेकफास्ट में वहाँ लोग पसंद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो कैसे इसे बनाना है और इसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैं बताऊँगी आपको आज इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बनेगा ये। इस नाश्ते के आगे सारे नाश्ते फेल हैं, ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए बताते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। धुसका बनाने के लिए सबसे पहले हमें राइस लेना है। राइस आप कोई सा भी ले सकते हैं। और एक कटोरी हम राइस लेंगे तो आधा कटोरी चना दाल, 1/4 हम लेंगे यहाँ पे उड़द दाल जो कि छिलके उतरी हुई होती है, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छे से 2-3 पानी से हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद फिर हमको इसको भिगा के 2 से 3 घंटे के लिए रखना है। तो इसको हम भिगा देते हैं और इसको कवर करके हम 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। तो फिर अभी ये भीग चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम चिली और जिंजर को ऐड करके, थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसको स्मूथ पेस्ट बनाना है। और बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए, स्मूथ पेस्ट बनाना है हमको। तो अभी मैं इसको बना के पेस्ट आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं बना लेती हूँ। एक बार मैंने किया लेकिन अभी आप देख सकते हैं दरदरा है, तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो हमें एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो देखिए ये स्मूथ पेस्ट हो गया है। तो एक बाउल में मैं निकाल लेती हूँ और जो बचा हुआ है उसको भी मैं इसमें डाल के, ये मैंने सेकंड का ले लिया है और इसमें हमें जिंजर और चिली की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी पेस्ट मैंने बना लिया है और ये रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। जितना अधिक अच्छा फर्मेंट होगा उतना अच्छा बनेगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं और हम जो आलू की सब्ज़ी है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये चॉप किए हुए कुछ ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, चिली और मैंने टोमेटो ले लिया है और उसको मैं पेस्ट बना लूँ। आप चाहें तो बिना पेस्ट बनाए भी बना सकते हैं, पर मुझे पेस्ट का वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी आप हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था और मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जीरा, तेज़पत्ता और मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम कम किया है और मसाले ऐड किए हैं। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 स्पून ऐड किया है और थोड़ा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे तेल छोड़ने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मसाला भून रहा है और तेल छोड़ दिया है। तो जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे पेस्ट ऐड करने को ये मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये तीखी नहीं होती है। तो इसे हम थोड़ा ज़्यादा डालें तो भी चलेगा। इधर हमने बॉयल पोटैटो ले लिया है, आप चाहें तो बिना बॉयल भी ले सकते हैं, पर मुझे बॉयल का पसंद है इसलिए मैंने ऐसे लिया है। आप चाहें तो बिना बॉयल के भी ले सकते हैं। अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। तो इसे हमें, क्योंकि बॉयल है तो हम इसे एक में 4 कर देंगे इस तरह से। तो क्योंकि बॉयल का ज़्यादा अच्छा बनता है सब्जी, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम कट कर लेते हैं। अभी हमारा मसाला एक साइड में भून रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला भी अच्छे से भून रहा है और काफ़ी अच्छा भून गया है। और थोड़ा और हमें भूनना पड़ेगा इसको, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और क्योंकि बॉयल पोटैटो है तो हमें मिक्स करके और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा गुनगुना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम मैंने पानी ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। और जितना भी आपको ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से आप ग्रेवी रख सकते हैं। तो हमने इस तरह का रखा है और हमें बस 1 विसल लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है और उसके बाद मैं इसको विसल लगा लूँगी 1। उसके बाद हमारी ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर को बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 1 विसल आ गई है, मैंने फिर उसको ठंडा होने दिया है। अब मैंने यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है।
और आप चाहें तो यहाँ धनिया पत्ता डाल सकते हैं, क्योंकि अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं और दुस्का बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो बैटर बनाया था वो फर्मेंट हो गया है, आप देख सकते हैं ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे मैंने हाफ हल्दी ऐड किया है और 1 स्पून धनिया पाउडर ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और हींग डालेंगे लास्ट में, और उसके बाद डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें हम डाल लेंगे, उसके बाद हमें मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने हींग भी ऐड कर दिया है, अब मैं जीरा ऐड करूँगी। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। फिर हम इसको फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो अभी हम इसे अच्छे से मिला लेते, बाकी और इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब इसे बस हमें अच्छे से मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्मेट हो गया है और साइज़ भी इसका डबल हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए तब हमारे ये बहुत अच्छे धोसका बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक बार इस तरह से गिराएं तो बीच में गिरे। इधर हमने ऑयल एक तरफ रख दिया है गर्म होने के लिए, और एक बार पहले हम ऑयल के अंदर थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे कि हमारा ये सही से ऊपर आ रहा है कि नहीं, तभी हम डालेंगे। तो अभी हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने 4 दुस्के डाल दिए हैं, जितना स्पेस हो आप उतना डाल सकते हैं। और फिर एक साइड होने पे ऊपर से आपको पता चल जाएगा, अगर ऊपर से एकदम अच्छे से हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा ऊपर तेल डालते जाइए आप अपने उससे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी तरह से हमें इसको डालना है, और एक जगह पे आप छोड़ेंगे तो वो बड़ा सा हो जाता है और एकदम अच्छे से फूल जाता है। और थोड़ा जगह हमें देना है क्योंकि ये फूलेगा डालने के बाद, तो थोड़ा थोड़ा दूरी पे ही हमको इसको डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी एकदम अच्छा सा हो गया है। और फिर इसको हम एक जो है स्ट्रेनर पर निकाल लेंगे, आप चाहें तो नेपकिन पेपर पर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब इस में ही कढ़ाई के अंदर ही निकल जाएगा। तो यहाँ दूसरा बैच मैंने डाल दिया है, तो ये दूसरा बैच है। तो यहाँ पे दोबारा मैंने डाला था वो भी निकाल लिया। तो यहाँ पे मेरे दुस्के भी सारे रेडी हो गए हैं, और फिर मैं इसको निकालने के बाद एक नेपकिन पेपर पर ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नेपकिन पेपर पे रख दिया है, अब हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने धुस्का और आलू की सब्ज़ी और चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी ऑप्शनल है, और चटनी की रेसिपी मैं कल के वीडियो में दूंगी, तो मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा और फुला हुआ और एकदम जालीदार बना है, देखिए कितना सॉफ्ट भी है और बहुत अच्छा बना। ये झारखंड का बहुत ही फेमस रेसिपी है, और इसको ब्रेकफास्ट में लोग पसंद करते हैं, आप चाहें तो जब मन हो तब बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।